गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। तो यहाँ पे पूरा दिन में आज 29 अगस्त में 3 शिफ्ट में एएलपी का पेपर हुआ है, तो इन तीनों शिफ्ट में एक बार बायो के जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ये वीडियो जो है वो एकदम से स्टार्ट हो गई है शायद इसलिए, लेकिन फिर भी देखिए यहाँ पे पहले क्वेश्चन के साथ ही, यहाँ पे देखिए स्लाइड लगा दो, पहले क्वेश्चन के साथ देखते हैं। यहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल विच डाइजेस्ट ऑल 3 प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स। देखो क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है क्योंकि ये क्वेश्चन जो है एज इट इज नहीं आपको एग्जाम में पूछे गए हैं, लेकिन जैसे बच्चों ने हमें क्वेश्चन भेजे हैं उसके हिसाब से हमने यहाँ पे क्वेश्चन को अपनी लैंग्वेज में चेंज कर दिया है। तो क्वेश्चन थे इसी तरीके से, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल विच डाइजेस्ट ऑल 3 प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। तो इसका पहले का आंसर जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन रहेगा आपका, आप वहाँ पे ध्यान से देख लीजिएगा, छोटी आंत जो है वो इसका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए सेकंड, इफ वैलेंसी ऑफ एल्यूमिनियम इज 3, एल्यूमिनियम की अगर वैलेंसी संयोजी 3 है और ऑक्सीजन की जो है वो 2 है, तो केमिकल फॉर्मूला जो है वो क्या रहेगा, Al2O3 जो है वो इसका केमिकल फॉर्मूला रहेगा। और दूसरी शिफ्ट में पूछा था कि एल्युमिनियम ऑक्साइड का जो है वो फॉर्मूला क्या रहता है, तो सेम क्वेश्चन दो अलग तरीके से पूछा गया है यहाँ पे। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे फॉर्मूला ऑफ लेंस की पावर के लिए पूछा है, तो P=1/F जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा तीसरे का। चौथा क्वेश्चन यहाँ पे इसकी PDF आपको मिल जाएगी, राइट। तो एक बार सिर्फ यहाँ पे आप ध्यान से सुन लीजिए, बाकी PDF में हम इसको यहाँ पे डिस्क्राइब कर लेंगे। केमिकल नेम ऑफ विटामिन डी पूछा हुआ है, तो अर्गोकैल्सीफेरॉल एंड कोलोकैल्सीफेरॉल जो है वो इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन न्यूलैंड ऑक्टेव सीरीज जो है पूछा है, तो 56 जो वहाँ पे आंसर दिया है वो करेक्ट है। और अगला छठा क्वेश्चन जो है वो मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल में कितने जो है वो एलिमेंट्स थे उसके लिए दिया हुआ है यहाँ पे, तो उसमें आपको 63 एलिमेंट्स जो है वो दिए गए थे मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल में। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 7th क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे, तो टेस्टिस पूछा हुआ है, जो मेल्स का टेस्टिस जो होती हैं वो कहाँ पे लोकेटेड होती हैं या किसके अंदर लोकेटेड होती हैं, तो स्क्रॉटम जो है 7th का वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। स्क्रॉटम जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है देखिए RBC और WBCs का बायोलॉजिकल और केमिकल नेम के लिए, तो दिन में हमने ये पूरा डिस्क्राइब किया है ये पूरा दिन। तो RBCs का जो केमिकल नेम होता है वो आपका क्या होता है, बायोलॉजिकल नेम हम बोल सकते हैं। एरिथ्रोसाइट जो है वो इसका बायोलॉजिकल नेम होता है। और WBC जो कि 2nd शिफ्ट में पूछा गया है, तो ल्यूकोसाइट जो है वो WBC का बायोलॉजिकल नेम जो है वो रहता है यहाँ पे। अगला 10th क्वेश्चन देखिए, यूनिट लेस बताना था आपको कि इनमें से क्या है जो यूनिट नहीं होती है, जिसकी यूनिट लेस जो होता है यहाँ पे, तो यूनिट लेस की अगर हम बात करेंगे तो रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी की जो यूनिट होती है जब हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं, तो ऊपर में जो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस किसी भी पदार्थ का घनत्व अपॉन में क्या आता है, पानी का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो दोनों में kg पर मीटर क्यूब होता है जो कैंसिल होके 0 हो जाती है। तो यूनिट लेस जो है वो इसका आंसर आपको क्या देना था, रिलेटिव डेंसिटी जो है उसका आंसर देना था यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे व्हाइट फाइबर्स पूछा हुआ है कि कहाँ पे ह्यूमन बॉडी के अंदर व्हाइट फाइबर जो है वो कहाँ पे मौजूद होते हैं, तो मसल्स में मौजूद होते हैं हमारे ये व्हाइट फाइबर्स, इसीलिए मायोग्लोबिन नाम का पूरा पार्ट जो है वो वहाँ पे रहता है। एटॉमिक नंबर आयरन का पूछा है, तो 26 होता है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 जो है। 13 का यहाँ पे पूछा हुआ है कि जी जो वैल्यू गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जो होता है वो किसके द्वारा वैल्यू कैलकुलेट की गई थी, तो हेनरी कैवेंडिश के द्वारा ये पूरी जो कैलकुलेशन थी वो की गई थी यहाँ पे, राइट। अगला देखिए साइड मिरर इन व्हीकल्स, जो ये हमारे वाहन होते हैं उसमें साइड जो मिरर लगाया जाता है वो किस चीज़ का लगाया जाता है, उत्तल या अवतल दर्पण, तो याद रखना है आपको कि उत्तल दर्पण जो है कॉन्वेक्स मिरर जो है उसको इस्तेमाल किया जाता है। O3 जो है वो किस चीज़ का बहुरूप है या एलोट्रॉप है, तो ऑक्सीजन जो है वो वहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। मास्टर ऑफ न्यूक्लियस जो है वो पूछा है यहाँ पे, मास्टर ऑफ न्यूक्लियस या कंट्रोल हाउस ऑफ द सेल जो है वो हम न्यूक्लियस या फिर केंद्रक को बोल सकते हैं।
पीएच ऑफ ब्लड पूछा है यहाँ पे कि ब्लड का जो पीएच है वो कितना रहता है, तो एग्जैक्ट ऑप्शन किसी ने नहीं बताए थे, सिर्फ ये क्वेश्चन लिखा है। तो 7.4 या 7.45 दोनों में से कुछ भी दिया हो, ये वहाँ पे क्वेश्चन रहेगा आपका, ठीक है। 7.4 जो है या 7.45 मिरर का फॉर्मूला आपको पूछा है, तो ठीक है, मिरर का जो फॉर्मूला है वो 1 अपॉन b + 1 अपॉन u = 1 अपॉन f जो है वो मिरर का फॉर्मूला होता है। क्रिटिकल एंगल, क्वेश्चन नंबर 18 जो है आपका वो क्रिटिकल एंगल है, क्रांतिक कोण हम इसको बोलते हैं। तो हीरे का क्रांतिक कोण कितना होता है, 24.2, जिसकी वजह से हीरा जो है वो जगमगाता है। अगला 19th क्वेश्चन जो है वो आपकी पोस्चर को रिलेट करके है, सेरिबेलम इसका आंसर होगा कि जो सेरिबेलम जो है वो क्या होता है, ब्रेन का हिंड पार्ट जो होता है, पीछे का जो मस्तिष्क का जो सबसे पीछे वाला पार्ट होता है उसमें सेरिबेलम होता है, जो बॉडी के पोस्चर को मेंटेन करता है। तो सेरिबेलम जो है वो करेक्ट आंसर होगा। एटॉमिक नंबर 17 पूछा है कि कौन से ग्रुप में रहेगा, तो 17 जो है जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287 होती है, ये क्लोरीन के लिए लिखा जाता है और क्लोरीन जो है वो ग्रुप नंबर 17 में ही होता है। तो यहाँ पे आपको ग्रुप पूछा था, तो एटॉमिक नंबर जिसका 17 है, क्लोरीन है, वो 17 में ग्रुप में मौजूद रहता है। इसके अलावा थर्ड शिफ्ट में ये पूछा है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये कौन से ग्रुप में, ये चारों चीज़ें जो है, चारों एलिमेंट बिलोंग करते हैं। तो आपको लिखना था 17th ग्रुप जो इसका करेक्ट आंसर है, और इनको हेलोजन्स बोला जाता है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन थर्ड शिफ्ट में रिपीट किया है आपका, सेम। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो है वो आपका यहाँ पे, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेलोसिटी को बोलते हैं, जो आपका आज थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चन है। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेग इज इक्वल टू विस्थापन अपॉन समय होता है। तो रेट ऑफ जो वेलोसिटी उसमें ऑप्शन में दिया होगा वो यहाँ पे आपको पूछा होगा, ठीक है। टेम्परेचर को हाइपोथैलेमस मेंटेन करता है, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है। तो पहले जो क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिए हैं वो, लार्जेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी जो है वो तंत्रिका तंत्र में तंत्र कोशिकाएं जो होती हैं, नर्व सेल्स या फिर न्यूरॉन जो होता है वो इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। मैच द एलिमेंट विद योर सिंबल, जो तत्व हैं उनको उनके सिंबल के साथ मिलाना था, चार ऑप्शन दिए होंगे लेकिन जिसने भी ये क्वेश्चन भेजा था उन्होंने तीन ही सिंबल्स लिख के दिए हैं। तो कॉपर, मरकरी और सिल्वर, कॉपर का Cu, मरकरी का Hg और सिल्वर का क्या रहता है, Ag रहता है। अब तीसरा ऑप्शन वहाँ पे दिया नहीं है, कोई भी एक सिंबल वहाँ पे गलत होगा जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। अगला एक क्वेश्चन है जो पूछा किसी भी तरीके से होगा, लेकिन उसमें ये लिखा हुआ था कि चार हॉर्मोन्स दिए हुए थे जिसमें से ये बताना था कि कौन सा मेल हार्मोन जो है वो रहेगा। तो ऑक्सीटोसिन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, ईस्ट्रोजन, अगर ये चार ऑप्शन आपको आते हैं तो टेस्टोस्टेरोन उसका करेक्ट आंसर होगा, या फिर टेस्टोस्टेरोन के अलावा एंड्रोजन भी ऑप्शन में दिया होगा, तो एंड्रोजन जो है वो उसका आंसर हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबली टेस्टोस्टेरोन ही दिया होगा। तो जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, आपका एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बेंजीन रिंग में कितने डबल स्ट्रक्चर होते हैं, तो यहाँ पे 3 आपको मार्क करना है। बेंजीन रिंग जो है वो हम ऐसे बनाते हैं, राइट। तो ऑल्टरनेटिवली 3 यहाँ पे डबल बॉन्ड जो है वो बनाए जाते हैं, तो 3 डबल बॉन्ड। काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो 1/2 mv² और मोमेंटम mv जो रहता है उसके ऊपर। फीमेल गैमीट्स जो है वो कहाँ पे बनते हैं, तो ओवरीज के अंदर जो है वो फीमेल के गैमीट बनते हैं, राइट। और जब मेल गैमीट की बात करेंगे तो कहाँ बनेंगे, टेस्टीज के अंदर। तो टेस्टीज और ओवरी दोनों आप याद रखिएगा। SI यूनिट ऑफ पावर पूछी है, तो वो वॉट रहती है यहाँ पे, जब हम SI यूनिट की बात करते हैं। तो उसके अलावा जो SI यूनिट्स पूछी हुई है वो यहाँ पे देखिए, कंडक्टेंस की जो पूछी हुई है, देखिए कंडक्टेंस और कैपेसिटेंस दोनों बच्चों ने लिख के दिए, अब एग्जैक्टली क्या है जो नहीं, क्या है जो आई है वो नहीं पता। तो अगर यहाँ पे कंडक्टेंस अगर आया होगा तो उसकी यूनिट तो जो आंसर होगी वो उसका सीमेंस रहेगा, ठीक है, सीमेन। लेकिन अगर कैपेसिटेंस आई होगी, कैपेसिटेंस की पूछी होगी, तो फैरेड जो है वो यहाँ पे आंसर रहेगा। उसके अलावा देखिए यहाँ पे इंडक्टेंस की भी याद कर लीजिए, क्योंकि अगर इनकी आई है
तो अगले शिफ्ट में इंडक्टेंस की आ सकती है, तो हेनरी इंडक्टेंस की यहाँ पे यूनिट रहेगी। तो ये तीनों यूनिट आप याद रख लीजिए। कंडक्टेंस की जो यूनिट होती है वो सीमेंस रहती है, कैपेसिटेंस की फैरेड, और इंडक्टेंस की जो है वो हेनरी रहती है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन आज के एग्जाम में पूछे हुए हैं। ऐसा यूनिट ऑफ पावर पूछे हैं वो वॉट रहेगा। और आखिरी में जो अभी तीसरी शिफ्ट में जो क्वेश्चन पेपर पूरा आया था वो हमने डिस्कस किया ही है, जैसे चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, हेलोजन ग्रुप्स, फॉर्मिक एसिड, विनेगर जो है वो कैसे प्राप्त करते हैं, तो एसिडिक एसिड से विनेगर जो है वो प्राप्त किया जाता है। इनफैक्ट विनेगर का, सिरके का जो दूसरा नाम है वो एसिडिक एसिड ही होता है, ठीक है। पीएच वैल्यू आज की क्लास में यहाँ पे पूछी गई है, और आज एंजाइम्स और हार्मोन्स के काफ़ी डिफरेंसेस पूछे गए हैं। पूरे दिन में एंजाइम्स के ऊपर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आए हैं, तो जिनका भी कल एग्ज़ाम है वो एंजाइम्स का एक बार क्वेश्चन ज़रूर कर ले यहाँ पे, ठीक है। एंजाइम्स के ऊपर जो है वो क्वेश्चन यहाँ पे ढंग से कर लें, ताकि कल कोई इस तरीके का क्वेश्चन आए तो कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। पीरियोडिक टेबल अच्छे से रिवाइज कर लें, 3 या 4 बार पीरियोडिक टेबल रिवाइज करी जा चुकी है, ठीक है। और कल की क्लास में ग्रेविटेशन और स्मॉल जी और कैपिटल जी में अगर किसी को डिफरेंस है, थोड़ा भी कंफ्यूजन है, तो वो यहाँ पे हम कर लेंगे। राइट, तो ये जीएस का पूरा सेक्शन जो 29 अगस्त को ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसी के बेसिस पे आप 30 और 31 की तैयारी यहाँ पे अच्छे से करिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड जस्ट रिवाइज दीज क्वेश्चन, एंड ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक आप अच्छे से करिए। जिनका कल और परसों एग्ज़ाम है उनके लिए बेस्ट ऑफ लक, and thank you for watching this session. Thank you so much.